वेल लॉकअप के आज के एपिसोड में ढेर सारी चीजें हमें दिखाई दी एंड ऑब्वियसली करण कुंद्रा की एज अ जेलर एंट्री होती है आज पहली बार हमें देखने मिलता है बिग बॉस के सीजन 15 के सुपर हिट कंटेस्टेंट जिन्हें ऑडियंस ढेर सारा प्यार कर रही है और जितने व्यूज हमें लॉकअप पे पहले दिखाई दे रहे थे जैसे ही करण कुंद्रा की एंट्री हो गई लाइव फीड में भी ऑलमोस्ट 5 मिलियन तक उनके व्यूज पहुंच गए हैं और ये और सिर्फ करण के बदौलत ही हुआ है ये कहना कोई भी गलत नहीं होगा क्योंकि जो लोग अभी तक ये शो को नहीं देख रहे थे जिन जिन लोगों को ये शो के बारे में पता नहीं है बट अभी करण के यहाँ आने के बाद तब से जो है लॉकअप के बारे में चर्चा शुरू हो गई एंड आज भी हम देख सकते हैं लाइव फीड में और एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा लोग देखना पसंद कर रहे थे क्योंकि करण को आज पहली बार एपिसोड में देखा गया था कल लाइव फीड में देखा गया था तो आज का एपिसोड करण के एंट्री के बाद क्या कुछ बदलाव आया है क्या कुछ चीज़ें हो रही है इसके बारे में हम तो बात ज़रूर ही करेंगे साथ ही साथ सारा खान को सबसे पहले मौका मिला झोल घर में एंट्री करने का फर्स्ट एवर कंटेस्टेंट ऑफ लॉकअप और क्या वो चूज़ करती है क्या होता है इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे बिग बॉस के सीज़न 15 के अपने जो करण कुंद्रा है उन्होंने आके जो तबाही मचाई है उसके बारे में बात करेंगे तबाही इन द सेंस कि कहीं ना कहीं अभी तक जो झुंड में चल रहे थे ये 13 कंटेस्टेंट्स धीरे धीरे अभी वो अपने लिए खेलने लग गए हैं और जेलर की एंट्री होने के बाद से गेम में बहुत तगड़ा चेंज आता हुआ हमें डेफिनेटली दिखाई दे रहा है इसके ऊपर भी चर्चा होने वाली है वेल मुनव्वर के ऊपर ज़्यादातर आज के एपिसोड में फोकस रहा है सारा के ऊपर इस आज के एपिसोड में फोकस रहा है उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे पायल भी आज के एपिसोड में दिखी है उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें कही हैं इसके ऊपर भी चर्चा होने वाली है निशा के ऊपर भी चर्चा होगी और आज का एपिसोड आखिर कैसा था ये इनमें ज़रूर जानेंगे देख रहे हैं आप फीफा फूस मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो @RJVedangi के नाम से आपको मिल जाऊंगी वेल आपको बता दूं कि सबसे पहले जो है आज के एपिसोड में शुरुआत होती है पायल की और करणवीर बोहरा के बातचीत की केवी और पायल बात कर रहे होते तब पायल जो है कह देती है कि कहीं ना कहीं मेरा नुकसान हो रहा है मैंने बैकआउट किया मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है और मैंने खेलना चाहिए था मैं खेल नहीं पाई बिकॉज पूनम नहीं चाहती थी कि आप बाहर जाए बात तो ऐसी हुई थी ये कौन सी गेम की हो रही कॉइन वाले टास्क की बात हो रही है जो कल का कॉइन वाला टास्क था छः छः लोगों की टीम खेल सकती थी तो उसमें जो है केवी पहले बाहर जाने वाले थे लेकिन बाद में पायल एक्चुअली वॉलंटरली खुद का नाम जो है लेती है कि मैं नहीं खेलूंगी और करण कहते हैं आर यू श्योर तो उन्होंने किसी ने भी फोर्स नहीं किया था बट उन्होंने कम्प्लीटली इस तरीके से दिखा दिया कि मैं कैसे विक्टिम हूँ और कैसे मुझे खिलाया जा रहा है मुझे कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा मुझे कोई भाव नहीं दिया जा रहा है तो करण को इस चीज़ के ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है और कहते हैं कि आपने ये बोलना काफ़ी गलत है अगली बार से आप अगर मुझे कोई भी चीज़ दोगे तो मैं बिल्कुल वो एक्सेप्ट नहीं करूँगा क्योंकि ऐसे बाद में आप मुझे सुना के दिखाओगे कल आपको किसी ने भी बैकआउट होने नहीं कहा था आप अपनी मर्जी से बैकआउट हुए थे इट वॉज योर चॉइस तो पायल कहती है कि पूनम चाह रही थी कि आप खेले तो उन्हें कोई और टीम से बाहर होना चाहिए था तो मैं ही हो गई कि ठीक है वैसे भी मुझे नहीं लगता कोई मुझे खेलने देना चाहता तो खुद ही कहीं ना कहीं खुद को सेल्फ विक्टिमाइज करती हुई पायल दिखाई दे रही है और कल के एपिसोड में भी मैंने आपको बताया था आज के एपिसोड में भी कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रही है शायद जानबूझ के कर रही है या फिर शायद उनकी कोई गेम स्ट्रैटेजी होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताने वाला है वेल केवी और मुनव्वर की बात होती है जहाँ पे मुनव्वर कहता है कि ये जो पायल वाली बात है केवी भाई मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि आपने इसकी बात नहीं सुननी चाहिए अभी इसके कोई भी आगे बात मत लो मतलब अभी तक खुद से खुद को सैक्रिफाइस किया खुद नहीं खेली लेकिन अब नाम डाल रही है कि उसे खेलना था हमने खेलने नहीं दिया तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में अभी पायल के टूवर्ड्स जो परसेप्शन है वो अभी बनने लगा है कल के एपिसोड के एंड में भी मुनव्वर ने कहा था कि पायल को जैसे चांस मिले निकालते हैं यहाँ से ही यानी दूसरे टीम में तो डालते हैं वरना अगर उसको आउट कर सके तो करते बिकॉज शी इज़ गेटिंग टू मच टू हैंडल तो मुनव्वर और करण के दिमाग में जो है करणवीर के दिमाग में और मुनव्वर के दिमाग में पायल एक नेगेटिव या क्रिबिंग पर्सन जो है दिखाई दे रही है पूनम के वर्ल्ड कप स्टेटमेंट के बारे में बात हुई थी जब आपको याद है पायल जो पूनम है सबसे पहले चर्चा में तब आई थी जब वो मॉडल थी और उन्होंने कहा था कि वो अपने कपड़े उतार देंगी अगर टीम इंडिया जीतती है तो वो स्टेटमेंट के बारे में यहाँ पे जो है बात करते हुए दिखाई दी तो यहाँ पे ये लॉकअप की एक खास बात है
कि बाहर की चीज़ें जो हो है उनके बारे में भी चीज़ें पता चलती है, कितने व्यूज आए, क्या हुआ ये भी पता चल रहा है, कैसे खेल रहा है ये भी पता चल रहा है, प्लस पुरानी बातें निकाल रहे हैं, अपने एक्सेस, अपने प्रीवियस मैरिजेस या यू नो जो कॉन्ट्रोवर्सीज है उसे खुलेआम डिस्कस किया जा रहा है. सो दिस शो इज़ यूनिक ऑल इन ऑल, एंड जो ऑडियंस है उनको मसाला अलग अलग टाइप का मिलता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ओ ये ऐसा हुआ था, इस स्टेटमेंट के पीछे का वजह ये है. अच्छा, क्योंकि यहाँ पे जो है कास्टिंग काउच की बात निकली और तभी पूनम ने कहा था कि बिकॉज ऑफ दैट स्टेटमेंट ऑफ माइन मुझे सिर्फ दिखना था और मैं इंडस्ट्री में नहीं थी, बाहर से आई थी, तो मुझे इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं एंट्री मारनी थी, इसलिए मैंने ये चीज़ कही और उसके बाद मुझे कभी कास्टिंग काउच का सामना नहीं करना पड़ा. सामने से मुझे ऑफर्स आने लगे, सामने से मुझे प्रोजेक्ट्स आने लगे, क्योंकि लोगों को मैं कौन हूँ पता चलने लगा, तो मुझे कहीं ना कहीं स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं थी. आज जो मैं हूँ मैं खुद के बदौलत हूँ. इस तरीके से भी पूनम ने जो है अपना स्टेटमेंट बताया मुनव्वर, और यहाँ पे जो है बाहर की बातें चालू होती है जहाँ पे ऑब्वियसली क्रिकेट की बात हो रही है, वर्ल्ड कप की बात हो रही, तो विराट कोहली का जो टॉपिक है, जो कैप्टन विराट कोहली थे तभी, उसकी बात हो रही है कि कैसे मुनव्वर ने एक ट्वीट किया था जहाँ पे उन्होंने कंगना को टैग किया था, जब एज वी नो कि कंगना नेपोटिज्म के बारे में बहुत बात करती है एंड शी स्टैंड्स अगेंस्ट नेपोटिज्म. तो मुनव्वर ने कहा था कि मैंने ये ट्वीट किया था कि विराट और अनुष्का देर एक्सपेक्टिंग अ बेबी, तो इनको बेटा होगा या बेटी पता नहीं, लेकिन अगर बेटा हुआ वो कहा मुझे क्रिकेटर बनना है, या फिर बेटी हुई उसने कहा मुझे एक्ट्रेस बनना है, तो क्या ये नेपोटिज्म होगा? तो क्या वो कहीं पे अपना, अगर वो चाह भी रही है चीज़ें करना, तो क्या वो नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द नेपोटिज्म थिंग? तो इसके बारे में जो है टॉपिक निकला, बहुत सारी बातें इसके ऊपर हुई नेपोटिज्म के टॉपिक के ऊपर भी. सो डेफिनेटली कंगना के रेडार पर ऑलरेडी मुनव्वर है. तो अभी जो वीकेंड पे, अभी तक हमें ये शो का फॉर्मेट पता नहीं है कि क्या सिर्फ सैटरडे को कंगना आएंगी या सैटरडे संडे दोनों दिन आएंगी, कैसे होगा जैसे बिग बॉस में वीकेंड का वार होता था, अब यहाँ पे कैसे होगा देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा. नॉमिनेशंस को यहाँ पे चार्जशीट का नाम दिया गया है, तो वीकेंड के वार को भी कुछ अलग इन टाइप का नाम दिया होगा, कुछ यू नो कंगना की अदालत टाइप्स या कंगना का इंसाफ और समथिंग लाइक दैट, यू नो ऐसा शायद को कुछ नाम देंगे जहाँ पे कंगना जो है इन लोगों का हिसाब किताब करती हुई नजर आएंगे. और ये टॉपिक जो है मुनव्वर के ट्वीट का, इसका करारा जवाब जो है कंगना ज़रूर देते हुए हमें नज़र आ सकती है. उसके बाद जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा बेसब्री से फैंस को इंतज़ार रहा है, यानी करण कुंद्रा की एंट्री बतौर जेलर, काफ़ी सारा जो है च्योरिंग अपलॉजेज अपलॉड्स एंड वूहू सुनाई दे रहा था हमें जब करण की एंट्री हो रही थी एज जेलर, उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया. अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊंगी कि करण की एंट्री हुई बहुत बढ़िया, जिस तरह से बात की बहुत बढ़िया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कल मेरे लाइव फीड के अंदर दिखी थी लेकिन आज मुझे एपिसोड में दिखाई नहीं दी. तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इन्हें एडिटिंग सही से आती नहीं है, या फिर यू नो नई टीम है या पता नहीं क्या है, जो क्रिस्प वाला कॉन्टेंट था वो लाइव फीड में जो दिखाई दे रहा था, जैसे मुनव्वर की तारीफ करी है, मुनव्वर ट्रेंडिंग पे है, उसके बाद किस तरीके से थोड़ा बहुत निशा कुछ बोलती है, पायल कुछ बोलती है, मुनव्वर कुछ बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ों का जो मसाला था ये हमें लाइव फीड में दिखाई दिया, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है मेन शो से काट दी गई. यहाँ पे सिर्फ वो आके कहते हैं कि आप 15 million 48 hours में चले गए हो, काफ़ी अच्छा कर रहे हो, आप लोगों में से एक जन ऑलरेडी ट्रेंडिंग पे है, और यू नो उन्होंने सिर्फ कॉम्प्लीमेंट दिया कि तुम ट्रेंडिंग पे हो मुनव्वर को, किस लिए ट्रेंडिंग पे हो, किस चीज़ की वजह से हो, क्या है, कुछ नहीं. मतलब जो लोग लाइव फीड नहीं देख रहे उन्हें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट समझ ही नहीं आएगा. तो अभी लाइव फीड में मैंने देखा हुआ, इसलिए मुझे पता है कि यहाँ पे वो बात कर रहे थे कि यू नो आपने जिस तरीके से सब लोग प्रोटेस्ट वोटेस्ट कर रहे थे, खाना टाइम पे नहीं मिल रहा, ये टाइम पे नहीं मिल रहा, वो टाइम पे नहीं, तो आप इस प्रोटेस्ट में एज ए टीम उन लोग के साथ थे, लेकिन आप हमेशा कैमरा पे जाके चीज़ें क्लियर करते थे कि आपको सही से मिल रहा है, आपको कुछ गलत नहीं लग रहा है, ये लोग सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं और मैं सिर्फ मस्ती के लिए उन लोग के साथ हूँ वरना मैं उनके साथ नहीं हूँ. ये सारी चीज़ें करण ने बोली थी अबाउट मुनव्वर, मुनव्वर की तारीफ की थी, ये सारी चीज़ें एपिसोड में है ही नहीं. ये एपिसोड में डायरेक्टली क्या दिखा रहा है, दिखाया जा रहा है हमें कि मुनव्वर अब ट्रेंडिंग पे हो, आप में से एक जन ट्रेंडिंग पे है, बस इतना ही. उसके बाद केवी जो है लाइव फीड में आफ्टर ऑल दिस वर्ड्स जो मैंने आपको बताया, उसके बाद केवी कहता है कि अगर तुम्हें चीज़ें हमारे से अग्री नहीं है मुनव्वर तो हमारा साथ मत दो. तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें पहले दिखाई नहीं गई एपिसोड में, और मुनव्वर को बोला नहीं कि आप अच्छा करो, इस रीज़न की वजह से आप ट्रेंड करो, लोग आपको पसंद करें, कुछ नहीं. सारी चीज़ें एडिटर ने काट दी है भाई. मतलब ये शो की एडिटिंग इतनी बुरी तरीके से होगी तो
इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज लॉस फॉर द पीपल, क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे एज अ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. और अगर लाइव फीड में आपने नहीं देखा है तो आपको ये समझेगा ही नहीं कि क्यों आज केवी आखिर बोले कि मुनव्वर अगर ऐसा कुछ हो तो पहले हमें बता दिया करो, हम बोलेंगे नहीं, हमारा साथ मत दो, हम गलत लग रहे हैं, एज इफ हम जबरदस्ती करवा रहे हैं. तब मुनव्वर कहते हैं कि नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि खाना वाना टाइम से मिलता है, थोड़ा बहुत लेट होता है तो इट्स नो बिग डील, एंड मुझे तो ऐसा कभी लगा नहीं कि हमें देरी से दिया. तो ये वाली चीज जो है, मैंने आपको जैसे बताया कि मुनव्वर की तारीफ वारीफ हुई, उसके बाद ये सारी चीजें एक एक करके बाहर आई. फिर निशा भी कुछ बोली, फिर पायल भी कुछ बोली, ये सारी चीजें जो काट दी गई. तो कटिंग काफी बुरी तरीके से हुआ है. एडिटर नीड्स टू डू अ बेटर वर्क फॉर श्योर. आज के एपिसोड देखने के बाद बोलूंगी, क्योंकि ना लास्ट 4-5 डेज से अभी जो शुरू हुआ है, मैं आपको एक ही बात बताऊंगी कि अगर आप लाइव फीड देख रहे हो तो आपको एपिसोड देखने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आएगा क्या, क्योंकि इसमें वेल एडिटेड कुछ भी नहीं, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके चिपका हुआ लगता है कभी कभी. और कभी कभी लगता है जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसी को उड़ा रहे हैं, जो नहीं चाहिए वो पार्ट्स यहाँ पे लगा के आपने रखे हुए. तो अगर आप एपिसोड देख रहे हो तो आपको आधी चीज़ें लाइव की समझ नहीं आएंगी. अगर लाइव देख लिया है तो एपिसोड देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि लाइव में चीज़ें बेटर समझ आती है. लाइव में एपिसोड में ऐसी काटी जाती है कि आपको समझेंगी नहीं बात, तो एज एन ऑडियंस आपका कटने वाला है, ये एज अ व्यूअर मैं आपको बता सकती हूँ. उसके बाद तहसीन कह रहा था कि हम एक साथ खेलेंगे और सबको अच्छा दिखना है, ये सारी चीज़ों के ऊपर जो है मुनव्वर तहसीन की मिमिक्री करके बता रहे थे कि कैसे इन्हें एक साथ दिखना है ये वो. मैं एक साथ था, ऐसे दिख रहा था, बट कैमरा नोज की सच क्या है, ये भी उन्होंने यहाँ पे जो है मुनव्वर ने कहा कि तहसीन वगैरह कह रहे थे एक साथ खेलना है एज अ टीम वगैरह. तो आई वॉज तो प्लेइंग इट, लेकिन मैं तुम लोग के एज अ टीम तुम लोग के साथ था, पर मेरे कैमरे को पता है क्या है कैसा नहीं, मैंने कैमरे को सारी चीज़ें बताई हुई है. ये वो करण के सामने, यानी जेलर करण के सामने और बाकी कंटेस्टेंट्स के सामने बोलते हुए नजर आते. मुनव्वर कहता है उसके बाद कि अब तो उसे समझ में आ गया था कि अभी इसके बैंड बैंड बजने वाली. करण ने तारीफ वारीफ सब कर दी, उसके बाद सभी लोग जो है मुनव्वर के ऊपर टारगेट करने वाले. कैसे टारगेट होगा तो वो तो आपको बताऊंगी ही. लेकिन करण की जब एंट्री हुई थी काफ़ी ढांसू थी, उन्होंने जिस तरीके से लोगों को जवाब दिया, शांत कराया, सब लोग जो ऐसे उछल कूद कर रहे थे ना, वो हमको जैसा चाहिए हम वैसे ही करेंगे. करण ने क्लियर कट कर दिया, आपको अगर कोई भी चीज़ चाहिए आपको अर्न करनी पड़ेगी, आप कोई लग्जरी के घर में नहीं हो कि आपको जो चाहिए वो मिलेगा, आपको कुछ भी चीज़ चाहिए यू हैव टू अर्न इट. सो ये जो बात कही उसके बाद कहीं ना कहीं हमें इनमेट्स थोड़े शांत होते हुए दिखाई दे, और अब इन लोग को पता है कि कंट्रोल में रहना पड़ेगा क्योंकि जेलर आ चुका है सामने एंड जेलर अपनी बैंड बजाएगा. तो ये कहने के बाद जो है करण कहता है कि झोलघर पहली बार खुलने वाला है, सारा आपका नाम लिया गया है तो सबसे पहले आपको झोलघर में आने का मौका मिलेगा. सो आई कम टू यू एंड आई लेट यू नो कि तुम्हें क्या करना है कैसे करना है. अब इसके बाद जो है करण चले जाते हैं, उसके बाद सब लोग आपस में बातचीत करते हैं, डिस्कशन वगैरह चल रहे होते हैं. अब यहाँ पे जो आपको पता है पैंडेमिक के स्टार्ट में यूट्यूबर वर्सेस टिकटॉकर जो हुई थी, वो चीज़ें हमें अभी जेल में भी देखने मिल रही है. अंजलि शी वॉज अ टिकटॉकर, उसके बाद अभी रील्स करने लग गई वो, टिकटॉक से उन्हें काफ़ी बड़ा फेम मिला है जिस वजह से कहीं ना कहीं आज वो शो में भी है. मुनव्वर जो है वो एक यूट्यूबर है, उनके जो स्टैंड अप कॉमेडी वो करते हैं यूट्यूब पे अपलोड करते हैं. तो यहाँ पे जो है ऊपर वो बार होता है ना लटकने का एक्सरसाइज करने के लिए, तो केवी वहाँ पे अंजलि को चढ़ा देते हैं हाथ पकड़वा के और शी हैज टू होल्ड ऑन. तो वो कहती बस मुझे 10 सेकंड के लग रहा, 10-15 सेकंड, ज़्यादा मत करना. और काउंटिंग चल रही थी और अंजलि कहते हैं चलो चलो अभी मुझे बस नीचे उतरना है, नीचे उतरना है. उसके बाद जो है मुनव्वर एक बहुत सही तरीके से यू नो लाइन यूज़ करते हैं, हाँ तुम लोग टिकटॉकर 10 सेकंड से ज़्यादा टिक भी नहीं सकते, तुम लोग का कंटेंट ही क्या होता है, बस मिमिक्री करना ये करना, तुम लोग तो ऐसे होता है. उसके बाद अंजलि कहती है हाँ तो क्या हुआ, तुम लोग जो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के तुम्हारे वीडियो डालते हो उसमें जितने व्यू नहीं आते उतने हमारे सब्सक्राइबर्स है, उतने हमारे फॉलोवर्स है. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक दूसरे को जवाब दिया जाता, भले फन वे में था या कुछ भी था, लेकिन यूट्यूबर वर्सेस टिकटॉक हमें दिखाया जा रहा था. और वो देखकर ना वो लॉकडाउन वाली मेमोरी ज़्यादा रहती कि किस तरीके से यूट्यूबर वर्सेस टिकटॉक हो रहा था, यू नो एवरीथिंग हाउ इट वॉज गोइंग ऑन. तो अंजलि उसके बाद जो है वो कहती है कि तुम यूट्यूबर हो, ठीक है मैं टिकटॉकर हूँ, अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा ग्रेट समझते हो तो इतना मत भूलो कि तुम और मैं हम दोनों आज एक ही प्लेटफॉर्म पे है, एक ही प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं. उसके बाद कहीं ना कहीं मुनव्वर थोड़ा शांत हो जाता है. तो मुनव्वर का सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ना उनकी थोड़ी बहुत चुभ जाती है. और अंजलि को थोड़ी ज़्यादा चुभने लगी है क्योंकि
उन्हें कहीं ना कहीं आफ्टर द कॉइन वाला टास्क थोड़ा उनके ऊपर गुस्सा है कि वो कॉइन वाला टास्क आखिर क्यों हारे थे, क्योंकि वहां पे मुनव्वर एंड केवी ने चीटिंग कर दिया था, कॉइन्स ऐड कर दिए थे, अगर कॉइन्स ऐड नहीं करते तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते और आज उनकी टीम जो है जीत चुकी होती। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक बैंटर हमें दिखाई वहां पे दिया। उसके बाद जो है सारा को झोलघर में केवी बुला देते हैं, उन्हें कहते हैं कि आपको जो भी यहाँ पे लग्जरीज चाहिए, जो बेसिक नेसेसिटीज़ है बाहर के, लेकिन आपके लिए वो लग्जरीज अगर आपको चाहिए तो आपको टास्क करके जीतना पड़ेगा। तो पहले बिरयानी वाला ऑप्शन देते हैं, वो कहती है मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैं अपनी टीम के लिए आई हूँ, सेल्फिश नहीं बनूंगी, मैं टीम के लिए चाह रही हूँ कि हमें हमारी टीम को कुछ मिले, क्योंकि बिरयानी के बदले उन्हें जो है सिर्फ 8 कप ही चाय मिलती, ठीक है। तो शी डिड नॉट वॉन्ट कि अपने फेवरेट रेस्टोरेंट की बिरयानी खाने के लिए मैं इन लोगों का चाय को कुर्बानी दे दूँ। उसके बाद जो है दूसरा विकल्प आ जाता है कि उनके माँ के हाथ की बिरयानी ला देते हैं कि तुम्हें ये बिरयानी खानी है तो तुम बिरयानी खा सकती हो, लेकिन जो है आपके जो इनमेट्स है उन लोगों को चाय और कम मिलेगी, यानी कि आपको चाय मिलेगी सिर्फ चाय 4। लेकिन उससे पहले एक बहुत सही पॉइंट बराबर उठा लेते हैं, बाहर सब लोग कहते हैं अरे सारा ने ले लिया चाहिए और उसमें कौन सी बड़ी बात है, चाय पूछ लेती, हमें वैसे भी नहीं चाहिए, तुम पी लो। मुनव्वर यहाँ पे इतना स्मार्ट प्ले करे, उसने कहा कि यार ये लोगों को पता है कि 5 लोग चाय नहीं पीते तो 8 बराबर है, 8 ले लेना चाहिए, शी शुड जस्ट टेक इट। लेकिन उसने नहीं लिया, शी वॉज लाइक नहीं नहीं मैं टीम के लिए खेलूंगा, बट ऑफकोर्स टीम ने उसको चूज किया है कि यू नो टीम के लिए कुछ वो लेके आए, ब्लू टीम के लिए कुछ लेके आए, लेकिन उसको खुद ही के लिए वहाँ पे चीज़ें जो है दी जा रही थी। फिर बाद में उसे मम्मी के हाथ की बिरयानी के लिए 4 कप्स मिलने वाले थे, उसने मना कर दिया, बोली नहीं मैं अपने सेल्फिश मोटिव्स के नहीं करूँगी। फिर उसका सिपर आया पानी का, उसके लिए भी कहा कि 4 चाय मिलेंगी लोगों को, बाकी नहीं मिलेंगी, फिर भी मना कर दिया। फिर ये सब होने के बाद जो है सारा हर एक चीज़ के लिए मना करती है, करण कहते हैं हाँ ठीक है तुम चली जाओ, तो सारा कहती है क्या मतलब मेरी टीम को कुछ नहीं मिलेगा, तो करण कहते हैं देखो यहाँ पे तुम्हारे टीम के लिए कुछ नहीं, तुम्हारा नाम का सिलेक्शन हुआ है तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा, इफ़ यू वांट यू कैन स्टे वरना आप जा सकती हो। तो वह जाने निकलती है, फिर करण उन्हें रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारी माँ यहाँ पे आएगी, क्या तुम ये विकल्प लोगी, तो शी सेज कि अब मुझे मेरी माँ को मिलना है। करण बोलते हैं अब कहाँ गया तुम्हारा वो सैक्रीफाइस वगैरह, तो शी वॉज लाइक कि नहीं नहीं मुझे मेरी माँ को मिलना है, आई वॉन्ट टू मीट हर, एक बार गले लगाना चाहती हूँ, उनकी माँ को वो स्क्रीन पर दिखा देते हैं, तो शी वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी हर मदर। तो यहाँ पे जो है करण कहते हैं कि देखो यहाँ पे आने का हर एक को मौका चाहिए, तुम्हें एक मौका मिला है सबसे पहले इसलिए इजीली क्योंकि बाकी लोगों को पता नहीं है अंदर क्या मिलेगा, अब जब सबको बाहर दिख रहा है कंटेस्टेंट्स को उनको पता चल गया है कि यहाँ पे क्या मिलेगा, सो एवरीवन वुड वांट टू कम टू झोलघर। इसलिए एक बात अच्छे से याद रखो, मौका मिला है ग्रैब करो। शी ग्रैब द मौका अपनी माँ को मिलने के लिए, हाँ कहती है, मम्मी आती है, मम्मी से बातचीत वगैरह हो रही होती है, यहाँ पे सब लोग चेयर कर रहे होते हैं कि यस गुड शी मेड द गुड डिसीजन, माँ को मिलने का ऑप्शन है, माँ का ऑप्शन ले लो, चाय की कोई बात नहीं, अभी सिर्फ 2 लोगों को ही चाय मिलेंगी। अब जो है उसे बिरयानी मम्मी के हाथ की खानी भी मिल रही है, सिपर भी अंदर लेके जाने का मौका मिल रहा है, वो चाह तो रही थी कि बिरयानी भी लेके जाए लेकिन नहीं ले जा पाई क्योंकि उन्हें कह दिया कि नहीं आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सिपर अंदर लेके जा सकते हो। अंदर आने बाहर आने के बाद मम्मी मम्मी से मिल ली, एकदम इमोशनल वगैरह हुई, रोने वोने का मोमेंट, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को एक अच्छा कंटेंट भी मिल गया दिखाने के लिए, इमोशन सब लोग रो रहे हैं, उसे रोते हुए देख मुनव्वर रो रहा है, पायल रो रही है, बबीता रो रही है, केवी के आंखों में आंसू है, शिवम रो रहा है, ठीक है पूनम रो रही है, पूनम तो इतनी रो रही थी कि केवी और तहसीन को बेडरूम में जाके उसको रुलाना जो उसका था वो स्टॉप करना पड़ा, इतना ज़्यादा रो रही, तो उनको अच्छा खासा एक कंटेंट भी मिल गया दिखाने के लिए, क्योंकि आई थिंक 4 दिन के बाद तुरंत ही आप आपके किसी घर वालों को भेज रहे हो मिलने के लिए, तो दैट इज इन अ वे कि थोड़ा जल्दी नहीं हो गया, अब भी 4 दिन पहले तो घर से आए इतना मम्मी को देख के क्या, पर ठीक है हो सकता है कि ये जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वहाँ पे मम्मी को मिलके एक्साइटमेंट हुई होगी, बट ये मुझे झोलघर का समझ नहीं आया। तो अभी कहीं ना कहीं जब जब झोलघर का होगा कभी ना कभी इन्हें मौका मिलेगा अपने घर वालों से लगातार मिलने का, सो मुझे ये जेल कम लग रहा है और यू नो ऐसा लग रहा है कि हाँ आते जाते मेहमान आएंगे जाएंगे ऐसी ही फीलिंग आती रह रही है और ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि जरूरत नहीं थी अभी के अभी उसकी माँ को लाने की, बिकॉज अभी अभी तो वो आए हैं, स्पेशली इवन वो मोमो वाला टास्क जो वो हुआ था जब सिद्धार्थ एंड अंजलि को बाहर लेके गए फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इट हैपेंड इन द रियलिटी शो के बाहर गए मोमो खाने, अंजलि को उसका स्वाद नहीं आया, अंजलि को उसका मजा नहीं आया क्योंकि बस 2 दिन में ही तो बाहर गई। अभी इवन सारा
सिर्फ 3-4 दिन में मम्मी से मिली, तो कहीं ना कहीं वो लॉन्गिंग होने के लिए थोड़ा अगर समय मिलता ना तो शायद और ज्यादा चीजें सामने आ सकती थी और ज्यादा इंटरेस्टिंग बन सकता था। बट नेवरदलेस अब यहाँ पे जो है मुनव्वर के बारे में बात करते हैं। उन्होंने अंजलि का रोना वोना तो स्टॉप कर दिया, अंदर सब लोग रो रहे हैं, सारा वारा को रोते हुए देख मुनव्वर बाहर आके कैमरा के सामने रोता है और कहता है कि मेरे लिए तो बहुत बुरी बात है, करण ने आके मेरी तारीफ कर दी, जेलर करण आए मेरी तारीफ की, अच्छा लेकिन मेरे लिए तारीफ बहुत गलत है, मेरे को तकलीफ होगी क्योंकि अब ये लोग मुझे टारगेट करेंगे, इन लोगों को इनसिक्योरिटी होगी कि अरे बापरे लॉकअप का पहला खिलाड़ी अगर कोई ट्रेंड कर रहा तो मैं हूँ, मेरे बारे में इतनी अच्छी चीजें बोली जा रही है, अब ये लोग तो मेरे दुश्मन बनेंगे, ये मुझे दिखा नहीं, मैं नहीं दिखूँ इसकी सारी कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए बैड साइड हो सकता है। ये मुनव्वर ने काफी सही पॉइंट का, क्योंकि अब जो है मुनव्वर को यहाँ पे एग्जिस्ट करना काफी डिफिकल्ट होने वाला है और बाकी लोग कहीं ना कहीं उसे दबाने की कोशिश करेंगे और वो दबना ऑलरेडी आज के ही एपिसोड से शुरू हो चुका है। तो मुनव्वर ने बिल्कुल वहाँ पे सही कहा, बट अगेन ही सेड कि मैं कुछ चीज़ें जो है इनमेट्स के सामने बोल नहीं सकता, बट अच्छा लगता है ऐसे ही मुझे सपोर्ट आप करते रहो, और बस वो यही प्रे कर रहे थे कि उनका गेम जो है स्पॉइल ना हो, क्योंकि अभी लोग जो है ऑब्वियसली बात है अगर कोई एक जना अच्छा कर रहा है तो बाकी लोग तो उसे रोकने आएंगे ही ना, अभी उन लोगों को 12 लोगों को तो लगेगा भैया मैं कैसे नहीं दिख रहा हूँ, मैं कैसे नहीं दिख रहा हूँ, ये कैसे दिख रहा है, तो मुनव्वर का गेम थोड़ा बहुत स्पॉइल होता हुआ दिखाई देगा और ये एक्चुअली चाहिए बिकॉज ये लोग ना इतना यूनिटी के साथ खेल रहे हैं ब्लू ऑरेंज टीम, तो मेकर्स ने और जेलर ने करण ने काफ़ी सही स्टेप लिया है। वो होता है ना किसी एक की तारीफ करो सबको लगेगा कि ओ ये बुरी बात है ऐसे कैसे तारीफ करें, वो कहानी भी पता है ना हमें बेस्ट फ्रेंड वाली कि आप और मैं अगर हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अगर आप और मैं स्कूल के अपनी एग्जाम या कॉलेज के एग्जाम दे रहे हैं हम दोनों फेल हो तो आपको कोई टेंशन नहीं है सही है, लेकिन अगर आपके इसमें मैं टॉपर आ गई और आप फेल हो गए तो आपको बुरा लगेगा, मेरे लिए खुद के लिए बुरा नहीं लगेगा, आप फेल हो तो फेल हुए, बुरा ये लगेगा मैं पास कैसे होगी मैं टॉपर कैसे होगी, तो ऐसा होता है, कोई कितना भी दोस्त हो कोई कुछ भी हो अगर कोई अच्छा कर रहा है हमसे तो डेफिनेटली जलन ईर्ष्या जरूर होती है, इनसिक्योरिटी जरूर होती है। मुनव्वर के लिए जो है काफ़ी संभल के गेम खेलना पड़ेगा और मुनव्वर का गेम कहीं ना कहीं ओपन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है कि मुनव्वर सबके सामने बोल तो रहे थे कि एक साथ करेंगे एक साथ करेंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे वो इंडिविजुअली खेल रहे इंडिविजुअल दिख रहे लोगों ने पसंद कर रहे हैं, ये चीज़ देख के लोगों को दिक्कतें होने वाली है और इस चीज़ के ऊपर मुनव्वर को काफ़ी सावधानी से खेलना है। अच्छी बात है कि मुनव्वर को ये बात समझ में आ गई दैट ही हैज़ टू प्ले ऑन हिज ओन एंड फॉर हिमसेल्फ। अब यहाँ पे जो है मुनव्वर ने एक और पॉइंट कहा सब लोगों के सामने कि सारा को ये जो अवार्ड मिला उसको नहीं पता था उसकी माँ आएगी, उसको एक एक वो विकल्प दे रहे थे तो उसका सेल्फिशनेस नहीं था, वो टीम का सोच रही थी इसीलिए वो एक एक सारी चीज़ें मना कर रही थी, अगर वो पहले एक या दो में हाँ कर देती तो शायद उसको उसकी मम्मी के हाथ की बिरयानी होटल की बिरयानी या फिर चलो थर्ड भी ले लेती तो सिपर मिल जाता, लेकिन उसने हर एक चीज़ को ना कहा और अपने लिए नहीं बल्कि गेम अपने इनमेट्स के लिए अपने ग्रुप के लिए वो खेलना चाह रही थी इसीलिए उसको रिवॉर्ड मिला उसके माँ को मिलने का, अगर उसने पहले हाँ बोल दिया होता तो उसे छोटी सी चीज़ मिलती, एंड में जब लास्ट विकल्प आया बम्पर प्राइज मिला उसको, तो ये भी अगेन मुनव्वर इज़ वेरी वेरी अमेजिंग व्हेन इट कम्स टू द गेम, मुझे लगा था ये लड़का स्ट्रांग है आगे जाएगा बट कहीं ना कहीं गेम डिकोड करता हुआ अभी यहाँ पे नज़र आ रहा है, काफ़ी स्ट्रांग खेलता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है और ये मैं डे वन से मुझे लग रहा था ये कुछ ना कुछ कमाल करेगा, बिकॉज आई वॉज तो थिंकिंग कि अभी ये और कंगना है तो लड़ाई झगड़ा बहुत सारे चीज़ें होने वाली, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बट अब कंगना वर्सेस मुनव्वर को थोड़ा साइड में करें ना तो इनमेट्स के साथ जिस तरीके से वो डील कर रहा है जिस तरीके से अपना गेम खेल रहा है ये लड़का मुझे फाइनल्स में दिख रहा है, मैं एटलीस्ट उसे टॉप 5 में तो फिगर आउट कर सकती हूँ फिलहाल के लिए, हाँ अगर इसने आगे जाके ये चीज़ें अगर उसके दिमाग में बैठ गई और 7वें आसमान पे चढ़ने लगा और वो चने के झाड़ पे चढ़ना होता ना वो अगर चढ़ने लग गया तो फिर उसका गेम खराब भी हो सकता है, बट इफ़ ही कीप्स दिस पेस डेफिनेटली टॉप 5 में मुनव्वर है, शायद टॉप 2 में भी हो सकता है जीत भी सकता है, अभी फिलहाल विनर वाली क्वालिटी इस हफ्ते सिर्फ और सिर्फ मुनव्वर में ही दिखाई दे रही है, साइशा एक हद तक, पूनम एक हद तक, केवी एक हद तक, निशा भी एक हद तक, लेकिन मुनव्वर काफ़ी क्लियर है और काफ़ी सॉर्टेड प्लेयर है तो ये आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो है पायल कहती है कि केवी मुनव्वर ये दोनों ऑरेंज ग्रुप के लीडर्स बन चुके हैं सो उसे अपनी टीम को जिताने के लिए स्टेप आउट होना पड़ा, ये चक्रपाणी से बात करते हुए चक्रपाणी स्वामी से बात करते हुए उसने ये बात कही कि ना चाहते हुए भी मुझे ये चीज़ करनी लगी
क्योंकि अगर मैं वो नहीं करती लड़ाई झगड़ा होता या कुछ होता या विलन मैं बन जाती. सो आई हैड टू स्टेप आउट. सो अगेन उनका वो जो एक खुद को सेल्फ विक्टिमाइजेशन करने का या खुद को एक अलग है ये दिखाने का जो है प्रयास पायल से अभी भी शुरू है. मुनव्वर कहता है कि अभी अगेन मुनव्वर अभी आपको लगेगा कि अरे ये क्या है मुनव्वर कितनी तारीफ क्यों करिए भाई अच्छा खेल रहा है तो तारीफ करनी पड़ेगी. मुनव्वर ने अगेन यहाँ पे बिल्कुल सही पॉइंट उठाया कि ब्लू टीम जीती, ब्लू टीम ने अच्छा खेला, ब्लू टीम जीती, लेकिन गिफ्ट किसे मिला, प्राइज किसे मिला, सारा को. ये लोग सब खुश है, तालियां बजा रहे, जेन्युइनली हैप्पी है सारा के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी को मन के अंदर तो खटक रहा होगा ना कि ये कैसे खेल जीती, मैं होना चाहिए था. तो अगली बार डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है कि झोल घर में जाना इतना आसान नहीं होगा. वोट जब देने होंगे बेस्ट प्लेयर सिलेक्ट करने में हर एक जन अपना अपना नाम लेगा. शायद ऐसा भी हो सकता है कि झोल घर में कभी किसी का नाम ही ना जाए, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि किसी को वो क्या कहते हैं आपसी सहमति नहीं होगी इन लोगों को जब करने की बारी आएगी. तो स्टार्ट में सब एकदम मस्त लग रहा है, आगे जाके चीज़ें और डिफिकल्ट होती हुई जो है नज़र आ सकती है. अब जो एक एक चाय आई है, ठीक है, मतलब दो चाय आया क्योंकि उसने विकल्प ले लिया अपनी मम्मी मम्मी को मिलने का, मम्मी को मिली बिरयानी बिरयानी खा ली, अब दो चाय. साइशा ने कहा मुझे चाय चाहिए. तहसीन जो है वो कहते हैं हम एक काम करते हैं एक अपनी टीम में चाय रखते हैं, साइशा तुम पी लो किसी और को नहीं पीनी होगी, क्योंकि निशा कहती मुझे नहीं पीनी, सारा कहती मैं तो पीऊँगी भी नहीं, तहसीन कहता है मैं भी दे दूंगा, चक्रपाणी स्वामी तो दूध पीते हैं तो वो तो बात मान ही जाएंगे, शिवम से बस बात कर लेना, साइशा तुम चाय ले लो. ऑरेंज टीम से बात करते हैं, ऑरेंज टीम कहती नहीं नहीं आप चाय पी लो, हमें किसी को चाय नहीं चाहिए, बस एक बार पायल को पूछ लेना है. केवी कहता है कि अगर उसको दिक्कत नहीं होगी तो आप और एक चाय ले लो. तो साइशा अपनी चाय ले लेती है, अभी दूसरी चाय शिवम लेना चाहता है, अभी उसे पायल से बात करनी होती है फॉर द चाय. तो ये भी सॉर्ट आउट हो जाता है. उसके बाद साइशा का चाय वाय पीने के बाद निशा कहीं ना कहीं मुनव्वर से अनहैप्पी होती है और अपना वो जो स्टेटमेंट होता है उसके ऊपर बात करी होती है कि अब तो मैं विलेन बन गई, अब यहाँ पे तो दिख रहा था कि हम लोग प्रोटेस्ट वोटेस्ट कर रहे हैं, भूखे आंदोलन पे है, तो यहाँ पे तुम हमें दिखा रहे हो तुम हमारे साथ हो, हमारे साथ तो हो नहीं. तो निशा को बात जली और निशा अपने आप को प्रूव करने के लिए लड़ाई करने लगी, तहसीन भी उधर कूद गए. तो सब लोगों का ये कहना था कि ये गलत है, ये ऐसा है वैसा है. फिर केवी कहता है कि काम करो तुम दोनों आपस में जाके बात करो. मुनव्वर निशा दोनों बात करते हैं, तभी मुनव्वर जो है उन्हें समझाता है कि स्टार्टिंग में कोई किसी का दुश्मन नहीं बनना चाहता, सब लोग अच्छे बुक्स में रहना चाहते, सब कुछ अच्छे खेलना चाहते. तो अगर कोई कह रहा है कि चलो चलो हम सब मिलके प्रोटेस्ट करते हैं, तो मैंने बोला ठीक है सब मिलके करते हैं, क्योंकि अगर मैं तब मना करता तो मैं विलन बन जाता, तो इसीलिए मैंने कहा हाँ. बट मैंने कैमरे को जाकर सच बताया कि मैं इनका सिर्फ साथ इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो टीम स्पिरिट है, ना कि मैं वो फील कर रहा हूँ मुझे टाइम वाइम से खाना मिल रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. तो अगर मैं अपना स्टैंड नहीं रखूंगा तो कैसे होगा, दैट इज वाई मैं अपना स्टैंड जो है वो रखना चाह रही हूँ. अब यहाँ पे ये सारी चीजें होती है, वहाँ पे चक्रपाणी स्वामी कह रहे हैं ये देखो बाहर पे एक झगड़ा चालू है, इन लोगों को दिखने के लिए कुछ भी फेक करते रहते हैं. तो चक्रपाणी स्वामी जो ऐसे थोड़े थोड़े छोटे छोटे सेकंड्स के लिए दिखते रहते हैं, बाकी वो कुछ कर नहीं रहे घर में, बट ऐसी छोटी छोटी टिप्पणियां जरूर दे रहे हैं, इंटरेस्टिंग टिप्पणियां भी होती हैं. निशा मुनव्वर की बातें होती है, तब यहाँ पे जो है मुनव्वर उन्हें कहते हैं ये बात कि देखो हमें किसी और के लिए स्टैंड लेने की क्या जरूरत है, हर एक जन अपने अपने स्टैंड ले सकता है, है ना. आप बबीता जी के लिए स्टैंड ले रहे थे, उन्हें गर्म पानी चाहिए, आपको क्या लगता है बबीता जी एकदम बेचारी है, खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकती, लोगों को पटक देती है वो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकती. तो हम किसी और के लिए जब बात करेंगे ऐसा करेंगे ना तो लोग हमें ही देखेंगे, हमें ही बुरा बोलेंगे, तो इसलिए मैं नहीं करना चाहता. निशा कहती है नहीं नहीं तुम्हारा पॉइंट सही है, तुम्हारा पॉइंट बराबर है, ये भी है. फिर पूनम भी आ जाती है, पूनम भी कहती है कि हाँ जिसको जो तकलीफ है वो अपने अपनी तकलीफ के लिए खुद खड़ा रहेगा, हम क्यों खड़े रहे. सो अभी धीरे धीरे जो है बंटवारा होना शुरू हो चुका है, सब लोग जो अभी इकट्ठा प्रोटेस्ट वोटेस्ट कर रहे थे, अब ये प्रोटेस्ट वोटेस्ट कुछ नहीं दिखा देगी, हर एक जन अपने अपने लिए खेलता हुआ नजर आने वाला है. मुनव्वर को तहसीन ने कहा था कि तूने ट्रस्ट तोड़ा मेरा, और हमने तो ये कहा था कि कैसे हम एक साथ खेलेंगे, एक राउंड मैं जीतूँ एक राउंड तू जीते, ये कॉइन वाली टास्क की बात है, ठीक है. तब यहाँ पे जो है मुनव्वर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ये ब्लफ वाला गेम था, ये इन लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही. अपने ऑरेंज टीम के साथ बातचीत चल रही होती है मुनव्वर की, तो यहाँ पे करण होते हैं, अंजलि होती है, पूनम होते हैं, यहाँ पे इन लोगों की बातें चलती. इनके ग्रुप में ना हम कभी भी ना पायल को नहीं देखते, पायल ने खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लिया ऐसा लग रहा है. जब यहाँ पे ये लोग बात कर रहे थे ये ब्लू टीम काफ़ी बोरिंग है यार, तहसीन तो मतलब खुद को क्या लीडर समझता है ये वो. फिर तहसीन के बारे में मुनव्वर ये भी कहता है कि वो पिछले शो में गए थे, 13 सीजन 13 की बात हो रही है बिग बॉस की, कि उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर था, एक हफ्ते में एलिमिनेट हो गए स्टेज पे, तो उन्होंने कहा था
सलमान खान से विनर मैं बनूंगा, विनर बने नहीं, एक हफ्ते में निकल गए, तो उनके ऊपर प्रेशर है, तो इसलिए यहाँ पे आके ये सारी चीजें कर रहे। तो इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट वोटेस्ट किया, वो सब चालू कर दिया। अब ये प्रोटेस्ट किए मैं अभी साथ नहीं दूंगा, निशा को भी क्लियर कर दिया, निशा को भी मेरी बात समझ आ गई है कि खुद के लिए हरिजन स्टैंड लेगा, पूनम ने भी आके कह दिया। तो यहाँ पे एवरीवन इज गोइंग टू स्टैंड अप फॉर देमसेल्फ। और कहीं ना कहीं ऑरेंज टीम ना ज्यादा, मतलब ये नहीं कहेंगे बिचिंग कर रही है, गॉसिपिंग कर रही है, बट ब्लू टीम के बारे में ज्यादा उनकी बात होती है, इतना जो है ब्लू टीम नहीं करती, ब्लू टीम अपने अपने में मस्त रहती है। अब यहाँ पे एक और बात चली कि शिवम को इंटरेस्ट है ऑरेंज टीम में आने का, क्योंकि उन्हें पता है ब्लू टीम कुछ नहीं कर रही, काफी बोर है। अब वहाँ पे एक्चुअली अगर देखा जाए गेम वाइज, खेलना वाइज, जो दिमाग है, इंटरेस्ट है और शिद्दत के साथ खेलना चाह रहे हैं, सायशा और शिवम दोनों ही है। ठीक है, सायशा का यहाँ पे ऑलरेडी बॉन्ड है, भले वो अंजलि के साथ हो, पूनम के साथ हो, मुनव्वर के साथ हो, केवी के साथ हो, शिवम का किसी के साथ नहीं है, लेकिन फिर भी शिवम को इसी टीम में खेलना है। इसके बारे में भी ऑरेंज टीम जो है बात करते हुए हमें नजर आई थी। उसके बाद जो एक न्यूज़ दिखा देते हैं कि आर्यन खान के ऊपर जो चार्जेस लगाए गए थे एनसीबी की तरफ से ड्रग्स के बारे में, तो उनके खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं आया, तो ही इज़ नाउ सेफ। इस तरीके से न्यूज़ आती है, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह, न्यूज़ वगैरह चीज़ें यहाँ पे दिखती रहती, तो सब लोग खुश होते हैं कि हाँ इट इज़ नाइस कि ही हैज़ कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम, ये वो ऐसा वैसा रिएक्शन होता है। अब एपिसोड के एंड में एक बात सामने आती है कि मुनव्वर की लाइफ में कोई समवन स्पेशल है। कैमरे के सामने लाइट ऑफ होने के बाद एक वो उनका जो मग होता है चाय वाला वो दिखाते हैं, और उसके ऊपर बब्बी लिखा होता है और हार्ट होता है, तो वो बस दिखाते हैं। तो पूनम और सिद्धार्थ, अंजलि सब चिढ़ाते हैं, बब्बी बब्बी कोई तो है, हाय बब्बी, मतलब चिढ़ाने लग रहे हैं, यू नो ये बब्बी कोई है, मतलब उनके लाइफ में कोई है। और ये ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें जो है कैमरा के लिए करते हैं, कैमरा से बात करते हैं, कैमरा में आके चीज़ें एक्सप्रेस करते, तो उन्हें पता है बब्बी की बातें होने वाली है। सो मुनव्वर ये जानबूझ के चीज़ें कर रहा है। अब ये पता नहीं कि सच में कोई बब्बी एग्जिस्ट करती है भी या नहीं, बट एक बात तो पक्की है, मुनव्वर आज के शो में काफ़ी शाइन करते हुए नजर आए। होपफुली कल के एपिसोड में पता चले ये बब्बी कौन है, बब्बी का नाम जो है क्या वो उनकी गर्लफ्रेंड है, कौन है, इनकी स्टोरी क्या है। स्टोरी हर एक जन अपनी अपनी बता रहे, वो भी आपकी अपनी जेल की स्टोरी वगैरह बताते रहते हैं, तो बब्बी की भी स्टोरी अगर बता दो तो मज़ा आ जाएगा। क्या है आपका कहना इसके ऊपर नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज का एपिसोड ऑन एंड ऑल अच्छा था, करण के आने के बाद ऑब्वियसली जेलर का वो जो तड़का जेल में हमें दिखाई दिया लॉकअप के अंदर, काफ़ी इंटरेस्टिंग था आज का एपिसोड। जो मतलब जो चीज़ें करण ने की है, कहीं ना कहीं वो जो एक टीम 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 करके चल रहे थे और बगावत जो मेकर्स के अगेंस्ट कर रहे थे, अब ये बगावत आपस में करेंगे। हर एक जन को पता है वी आर हियर फॉर आवर सेल्व्स, और हमें टिकना है तो खुद के लिए खेलना पड़ेगा। सो वो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। सो करण ने तो अपना काम कर दिया, कॉन्टेस्टेंट्स भी अपना काम कर रहे हैं आज के एपिसोड में। डेफिनेटली मुनव्वर शाइंड थ्रू आउट, जो चीज़ें कर रहे हैं बैक टू बैक हर एक एपिसोड में ही शाइनिंग थ्रू आउट, इंटरेस्टिंग लग रहा है। और आज के एपिसोड में अगर कोई अच्छा मुझे लगा, अच्छा तो मुझे आज के एपिसोड में मुनव्वर ही लगा। सारा भी कहीं ना कहीं सेल्फिश नहीं हो रही थी, सेल्फलेस हो रही थी, उसका रिवॉर्ड भी उसे मिला। सो एक उसका भी एक अच्छा चीज़ यहाँ पे दिखाई दिया है। शिवम आपके आज के शो में नहीं दिखाई दिए, चक्रपाणी स्वामी आज के शो में नहीं दिखाई दिए, आज के शो में सिद्धार्थ भी नहीं दिखाई दिए। हाँ, सिद्धार्थ और अंजलि का लव एंगल बनता हुआ दिख रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ वो फ्लर्ट वर्ट करने की थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे थे, तारीफ़ें वारीफ़ें कर रहे थे उसकी, तो वो कहीं ना कहीं स्माइल करती है और वो भी तारीफ़ों की कुछ बात करती, तो यहाँ पे जो है तारीफ़ वारीफ़ चल रही थी, तो कहीं ना कहीं लग रहा है स्टेज से ही थोड़ा बहुत लग रहा था इनके बीच शायद कुछ हो सकता है। तो अगर यहाँ पे किसी का लव एंगल बनेगा सबसे पहले तो अंजलि और सिद्धार्थ का बनेगा, जहाँ तक चीज़ें चल रही है। अभी से आप उनका जो कपल नेम है बना के रख दो इफ़ यू लाइक देम, क्योंकि लग तो ऐसे रहा है कि ये दोनों का कुछ ना कुछ हो जरूर सकता है। वेल, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? सिद्धार्थ आज के एपिसोड में मुझे नहीं दिखाई दिए, चक्रपाणी स्वामी नहीं दिखा दिए, शिवम ज़्यादा नहीं दिखाई दिए एक्सेप्ट फॉर द रोना धोना पार्ट। आज के एपिसोड में अगर किसी ने अच्छा किया तो 100% इट हैज़ टू बी मुनव्वर। मुनव्वर के बाद मुझे थोड़ा बहुत वहाँ पे केवी भी दिखाई दिए, ही वॉज ऑल्सो देयर, सो ही डिड वेल। सायशा नहीं, सारा भी थी, सारा भी अच्छे से दिखाई दी उन्होंने जिस तरीके से गेम वेम खेला है। केवी वॉज ऑल्सो देयर। पायल भले ही थोड़ा बहुत सेल्फ ऑब्सेस तरीके से या विक्टिम कार्ड खेल रही, पर कहीं ना कहीं दिख भी जरूर रही है। तो आज का एपिसोड ऑल इन ऑल अच्छा था, ठीक ठाक था, लेकिन सबसे बड़ा तड़का, सबसे बड़ा मसाला अगर किसी ने लगाया तो करण कुंद्रा ने लगाया। सो आपको क्या है कहना आज के एपिसोड के बारे में नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइए, एंड आई विल सी यू गाइज वेरी वेरी सून। तब